नमस्कार, वेलकम टू स्टूडेंट्स पॉइंट। तो इस वीडियो में हम करेंगे नवंबर के सेकेंड वीक के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन। बिफोर दैट मैंने नवंबर फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए अपलोड किया था। उसका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स, साथ ही कमेंट सेक्शन जो कि सबसे ऊपर हमारा कमेंट आता है हमारे चैनल से, उस पर लिंक शेयर कर दूँगा। आप वहाँ से जाके उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो ये नवंबर 8 से नवंबर 14 का डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, नैसकॉम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। कौन से कंट्रीज़ के बाद? तो फर्स्ट चीन है और सेकंड अमेरिका है, थर्ड इंडिया। तो ये रैंकिंग याद रखनी है, फर्स्ट चीन, सेकेंड अमेरिका, थर्ड भारत। केवल 2019 में ही भारत में 1300 से अधिक नए स्टार्टअप उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, अब नैसकॉम के बारे में जानकारी। नैसकॉम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी और बिजनेस प्रोसेस अकाउंटिंग यानी कि बीपीओ उद्योग का विश्व गैर लाभकारी व्यापार संगठन है, यानी कि नैसकॉम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और नैसकॉम का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है नई दिल्ली में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। तो इससे तीन क्वेश्चन निकले, एक तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, साथ ही एक नैसकॉम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और नैसकॉम के रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग स्टार्टअप इको सिस्टम में थर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2019 को करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इससे क्वेश्चन क्या उठेगा कि किस दिन किया? तो गुरु नानक देव के 550वीं जयंती पे किया। ठीक है, और इस कॉरिडोर किस किस जगह को जोड़ती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है पीसीएस एग्जाम के लिए खासकर। तो ये कॉरिडोर भारत में डेरा बाबा नानक श्राइन से लेकर के पाकिस्तान के करतारपुर साहिब गुरुद्वारा तक जाएगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरा बाबा नानक श्राइन से लेकर के करतारपुर साहिब पाकिस्तान के। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखने से पहले, अगर हमारी वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं तो कृपया कर हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सारे अपकमिंग वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचें। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने गोवा तट पर रेस सारिक्स 2019 के नाम से एक एक्सरसाइज स्टार्ट किया है। इस एक्सरसाइज का पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है तटरक्षक बल की कुशलता और तैयारी को परखना। इसका रेस सारिक्स का फुल फॉर्म क्या है? तो रीजनल लेवल सर्च एंड रेस्क्यू वर्कशॉप एंड एक्सरसाइज 2019। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा इस पे रेस सारिक्स पे वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू के सीरीज में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अगर वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू की सीरीज आप नहीं देख रहे हैं तो उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। नवंबर फर्स्ट वीक साथ ही नवंबर सेकेंड वीक का वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू का वीडियो डाला जा चुका है, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं, मतलब पूरे वीक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लगभग 45 से 50 एक हफ्ते के एमसीक्यूज होते हैं, आप उन्हें भी जरूर देखें, उससे आपका पूरा वीक का जो करंट अफेयर्स है वो रिवाइज होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई ने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए एक ड्राफ्ट जारी किया है। उसमें क्या होगा कि स्कूल के 50 मीटर प्रीमाइसिस में कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, वेफर्स तथा फास्ट फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये बच्चों के हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी स्टेप है, तो इसे वेलकम करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल तथा केंद्रीय मानव संसाधन यानी कि मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने मंत्री रमेश पोखरियाल ने गुरु नानक देव की शिक्षा पर 3 पुस्तकें जारी की है। तो इन तीनों पुस्तकों का नाम हमें याद रखना होगा। कौन कौन सी पुस्तक हैं वो? एक गुरु नानक बानी, दूसरा नानक बानी,
तीसरा सखियाँ गुरु नानक देव, ठीक है, ये तीनों इम्पोर्टेंट बुक। पूछा जाता है कौन कौन सी बुकें जारी की गई हैं और किसके द्वारा जारी की गई हैं, तो ये नाम भी याद रखना है कि हरसमीत कौर, साथी रमेश पोखरियाल। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ब्रिक्स सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे, तो ब्रिक्स सम्मेलन 2019 का थीम क्या था? तो थीम था उसका नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक विकास। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो याद रखना है नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक विकास है, ठीक। ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? तो ब्रिक्स में ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी, जून महीने में 2006 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। तो ब्रिक्स की एक्सपेंशन 2010 में हुई थी। तो जब 2006 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी तो उसमें केवल चार कंट्रीज थे, कौन कौन से? ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। तो उस टाइम ब्रिक्स को ब्रिक्स ना कह के ब्रिक कहा जाता था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। और जब 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसका पार्ट बन गया तो इस फिर ब्रिक्स कहा जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा ब्रिक्स सम्मेलन पे भी क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा चुका है, वीकली एमसीक्यूज में। तो वीकली एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, उसमें 45 से 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, तो आप जाके उसे ज़रूर देखें, मिस ना करें उसे। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका और भारत के बीच टाइगर ट्रायम्स नामक से ट्राई सर्विसेज यानी कि त्रि सेवा अभ्यास शुरू की गई है, वो कहाँ होगा? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में और काकीनाडा में। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया, किस बैंक के साथ? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ। इसका पर्पस क्या है? तो इस समझौते के तहत GEM पर जितने पंजीकृत यूजर्स हैं यानी कि रजिस्टर्ड यूजर्स हैं उनको उनके अकाउंट्स, परफॉर्मेंस, बैंक गारंटी, ऑनसेट मनी डिपॉजिट इत्यादि संबंधित सेवा मुहैया कराई जाएंगी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है क्या? तो ये एक मार्केट प्लेस है, एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पे डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स यानी कि सरकारी विभाग और एजेंसियाँ अपनी आवश्यकता के लिए वस्तुएँ खरीद सकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड, तो इसमें है नेक्स्ट 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी भारत करेगा, कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। इससे पहले 2018 में भारत में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन उड़ीसा में किया गया था, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अच्छा ध्यान दें, यहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए पुरुष के जगह पे आपसे महिला पूछा जा सकता है, महिला कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर वो भारत आंसर नहीं होगा, तो इसलिए ध्यान देना है। ऐसे ही इस बार BPSC 65 में एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि यूके ओपन किसने जीता, यूके ओपन मेल किसने जीता, और आंसर्स में एक क्वेश्चन में एक ऑप्शन में फीमेल का, फीमेल विनर का भी नाम दिया हुआ था, तो ऐसे में क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, तो ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि पर अपना वर्डिक्ट दिया, उसमें क्या किया कि 5 एकड़ ज़मीन विवाद जो उस अयोध्या में ही मुस्लिमों को दिया जाएगा, मुस्लिम कम्युनिटी के भाइयों बहनों को दिया जाएगा वहाँ पर मस्जिद बनाने के लिए। हालांकि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने यह डिसाइड किया है कि वो रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। अच्छा रिव्यू पिटीशन कितने दिनों में फाइल किया जाना चाहिए? तो रिव्यू पिटीशन विद इन 30 डेज में फाइल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने अकट एबव गेम लॉन्च किया है, इस गेम में क्या होगा? इसमें प्लेयर वायुसेना के तेजस, राफेल, मिराज 2000, सुखोई MKI जैसे विमानों को चुन सकते हैं, और ये एक गेम होगा एक्चुअली, और इसमें वो लोग सिमुलेटर 3D में कैसे हम खेलते हैं, तो ये सिमुलेटेड गेम होगा, इसमें वो उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं उन विमानों को उड़ाने का। ये एंड्रॉयड पे भी खेला जा सकता है और iOS फ़ोन पे भी खेला जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड।
हर वर्ष 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो पूछा जाएगा साइंस डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड साइंस डे, तो 10th ऑफ नवंबर। और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये यूनेस्को द्वारा स्टार्ट किया गया था 2001 में, और 2002 से ये लगातार ही मनाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एचआरडी मिनिस्ट्री संजय धोत्रे ने नवोदय विद्यालय समिति के लिए एक साला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम इम्पोर्टेंट है, साला दर्पण। साला दर्पण पोर्टल से होगा क्या, तो सारे नवोदय विद्यालयों को जोड़ा जाएगा। इसमें करीब 22,000 से अधिक कर्मचारी साथ ही साथ छात्र सूचना साझा कर सकेंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट निकले, एक तो साला दर्पण, और किस मिनिस्ट्री ने, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और पर्पस क्या है, तो सारे नवोदय विद्यालय को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के गेंदबाज दीपक चहर ने अंतर्राष्ट्रीय 2020 में क्या किया है, एक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की एक युवा क्रिकेटर शेफाली वर्मा अंतर्राष्ट्रीय अंक शतक लगाने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं। वो ऐसा करने वाली महिला 15 वर्ष की हैं, और उन्होंने सचिन तेंदुलकर का 30 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो उनका नाम याद रखना है, शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा ने यह कारनामा किया है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन ऑयल पानीपत में 2G एथेनॉल प्लांट की स्थापना करेगा। तो यहाँ पे जगह का नाम रखना है याद, कहाँ पे करेगा, तो पानीपत में करेगा। कौन सी कंपनी करेगी, तो इंडियन ऑयल करेगी। कंपनीज का नाम चेंज किया जा सकता है, तो ऑप्शंस ध्यान रख के इंडियन ऑयल हमें मानना है, और 2G एथेनॉल प्लांट किया जाएगा, ना कि 3G। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में है कि 11 नवंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे, विश्व विज्ञान दिवस, और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके याद में मनाई जाती है, तो हमारे देश के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनके जयंती के याद में ये मनाई जाती है, उन्हीं के जयंती के दिन ये मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त TN सेशन का निधन हो गया है। वे 1990 से 1996 के बीच भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो नासा ने हाल ही में प्रथम प्रायोगिक इलेक्ट्रिक विमान का अनावरण किया था, तो इसका नाम क्या रखा था, X-57 मैक्सवेल। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन डेली MCQ में पूछा गया था, साथ ही साथ वीकली करंट अफेयर्स MCQ में भी पूछा गया था। तो वीकली करंट अफेयर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि रिवीजन से ही सारे एग्ज़ाम हम क्वालिफाई करते हैं। यहाँ से आपका सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और क्विक रिवीजन के लिए आपको खुद को एनालाइज करने के लिए, टेस्ट लेने के लिए, कितना आपको याद है, वीकली करंट अफेयर्स से आप पूरा अपने आप को एक तरीके से टेस्ट कर सकते हो, 50 क्वेश्चन पूरे वीक में देख करके। तो यहाँ पे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, X-57 मैक्सवेल, यही इलेक्ट्रिक विमान है, ठीक है, नासा ने लॉन्च किया है। नासा, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, या फिर कॉस्मोस, ऐसे ऑप्शंस देखिए आपको कंफ्यूज किया जाएंगे, लेकिन आपको मानना क्या है, नासा। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रथम संस्कृत भारतीय विश्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम संस्कृत भारतीय विश्व सम्मेलन का कब से कब किया गया, तो 9 से 11 नवंबर के बीच किया गया। हाल ही में SPG सुर्खियों में थे, क्यों, तो जितने गांधी परिवार थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के जितने वो लीडर्स हैं, उन पे SPG का सिक्योरिटी हटा करके रिड्यूस करके कहाँ कर दिया गया, CRPF Z+ की सुरक्षा पे। तो SPG क्या है, SPG एक सशस्त्र बल है। इसका कार्य है कि भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा करना। SPG बनाया कब गया था, SPG कब बनाया गया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताने के लिए हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं, उसमें ये है कि जिन लोगों का मोस्ट कंसिस्टेंट, साथ ही साथ मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा,
सारे वीडियोस में, वो डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही वीकली करंट अफेयर्स में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ एक्सप्लेनेशन वाली सीरीज़ में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका जितना जवाब आएगा, तो हम हर हफ्ते एनालाइज करेंगे किसका जवाब सबसे ज़्यादा सही बार रहा है और कौन लगातार हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं। तो हफ्ते के अंत में उन्हें एक हमारी तरफ से लूसेंट की बुक दी जाएगी। लूसेंट की बुक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, तो ऐसे में हम उन्हें ये प्रदान करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। जम्मू एंड कश्मीर के डल लेक को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। डल लेक को क्राउन ऑफ कश्मीर या फिर जेवेल ऑफ श्रीनगर कहते हैं, ये फैक्ट जरूरी है। अच्छा, विश्व का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल कहाँ स्टार्ट किया जा रहा है? तो गुजरात में, गुजरात के भावनगर बंदरगाह में। संजय गुप्ता को गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है। ये सब पॉइंट्स हैं, याद रखने हैं आपको, ध्यान देने हैं। अच्छा, केंद्रीय मंत्री गृह मंत्रालय ने असम राइफल्स का विलय आईटीबीपी के साथ करने का प्रस्ताव रखा है। असम राइफल्स के बारे में एक फैक्ट जाने, तो ये भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसका गठन 1835 में किया गया था। तो प्रपोजल ये है कि असम राइफल्स को आईटीबीपी के साथ मर्ज कर दिया जाए। नेक्स्ट, भारत 2020 में एससीओ के काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट की बैठक को आयोजित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि नासा ने अल्टीमा थुल्ले नामक ट्रांस नेचुनियन ऑब्जेक्ट का नाम बदलकर एरोकोथ रख दिया है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या नाम रखा है, तो एरोकोथ। किसका नाम बदल दिया है? तो अल्टीमा थुल्ले का। अल्टीमा थुल्ले क्या था? तो ये एक ऑब्जेक्ट था जो कि क्यूपर बेल्ट में स्थित था। तो नासा ने दावा किया है कि अल्टीमा थुल्ले, जो कि अब एरोकोथ कहलाता है, उस पे जल का साक्ष्य भी पाया जाता है, ऐसा नासा का कहना है। अल्टीमा थुल्ले की दूरी क्या है पृथ्वी से? तो 6.4 अरब किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में पेरिस पीस फोरम यानी कि पेरिस शांति फोरम का आयोजन किया गया है। पेरिस पीस फोरम क्या है? तो ये एक वर्ल्ड गवर्नेंस इवेंट है। इसमें तरह बहुत सारे देश आके गवर्नेंस पे, गवर्नेंस इशू पे डिस्कशन करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, तो इसे क्वेश्चन क्या उठेगा कि ये पेरिस पीस फोरम कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो हमेशा पेरिस में किया जाता है। कहाँ पे? पेरिस किसकी राजधानी है? तो फ्रांस की राजधानी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अमेजॉन ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट जीरो। किस कंपनी ने नाम लॉन्च किया है? तो अमेजॉन ने। कौन सा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट जीरो। एम क्या है? तो अपने प्लेटफॉर्म पे जितने नकली सामान बिके जाते हैं उसको, उस पर रोक लगाना। तो 3 पॉइंट, अमेजन, प्रोजेक्ट जीरो और नकली सामानों पे रोक लगाना। नेक्स्ट पॉइंट है कि नई दिल्ली में 6वीं विश्व ग्रामीण तथा कृषि वित्त कांग्रेस शुरू की गई है। इसका पर्पस क्या है? तो कृषि वित्त के सभी हितधारकों का एकत्रित करना। नेक्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि आज से, मतलब 13 नवंबर को, यह स्पष्ट किया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आरटीआई के दायरे में आएंगे। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ट्रांसपेरेंसी आएगी इससे। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रविंद जगुनाथ पुनः मॉरिशस के प्रधानमंत्री बन गए हैं। नाम याद रखना है, प्रविंद जगुनाथ। कहाँ के? तो मॉरिशस के। नेक्स्ट स्लाइड, श्रीलंका मैच फिक्सिंग। श्रीलंका जो है साउथ एशिया में पहला कंट्री बन गया है जो कि मैच फिक्सिंग को एक क्रिमिनल ऑफेंस यानी कि अपराध घोषित किया है। ठीक है, ये कौन सी कंट्री? श्रीलंका, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के रवि प्रकाश ने ब्रिक्स यंग इनोवेटर का प्राइज़ जीता है। क्यों जीता है? तो उन्होंने मिल्क चिलिंग यूनिट बनाया है, इसलिए उन्हें यह प्राइज़ दिया गया है। अच्छा, ध्यान दें, ये वीडियो मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ताकि कुछ लोगों का कहना था कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो इसे 20-22 मिनट में पूरी की जाए, तो हम यही कोशिश करेंगे आगे से। लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना है कि पूरा जो वीक का करंट अफेयर्स है वो आप लोग के लिए पूरा हो, तो उसे देखते हुए समय की थोड़ी सी हमें वो रखनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड ने भारत को
43.4 मिलियन डॉलर का राशि दिया है। क्यों? वो कोस्टल एरियाज में जितने लोग रहते हैं उनको उनकी मदद के लिए। डायबिटीज़, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। तो ये डेट याद रखना है, 14 नवंबर, 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। इसी के साथ ये वीडियो अंत होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ आपके पास तुरंत ही पहुँचे और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो थैंक यू, स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।